हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है। इस क्वेश्चन में हमें पांच डायग्राम दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अगर हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो हमें क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए पहला डायग्राम, बारी बारी सब डायग्राम को डिस्कस करेंगे। पहला डायग्राम जो हमारा कहता है उसमें लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग अलग एंगल पे निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर का सरफेस। तो यहाँ पे ये लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, तो ऑब्वियस ये डायग्राम गलत है। सेकंड डायग्राम देखते हैं। सेकंड डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से निकल रही है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज से निकली नेगेटिव पे गई, फिर नेगेटिव से निकली पॉजिटिव पे गई, पॉजिटिव से आई नेगेटिव पे गई, नेगेटिव से आई पॉजिटिव पे गई। जबकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो पहले वाला तो सही अरेंजमेंट, दूसरे वाले में नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे जा रही है, तो ये गलत हो गया। अब एक भी लूप इसमें गलत दिखा दिया तो मतलब ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। सी डायग्राम देखें तो इसमें थर्ड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हुई दिखाई जा रही है दो पॉजिटिव चार्जेस से। इसमें कोई कमी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिनेट होती है, तो ये डायग्राम सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। चौथा डायग्राम देखें डी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और पॉजिटिव पे ही जा रही है। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। यहाँ तो पॉजिटिव से निकल रही है और पॉजिटिव पे जा रही है, मतलब पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो रही है, तो ये डायग्राम भी गलत हो गया। पांचवा डायग्राम देखते हैं ई, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, तो ये डायग्राम भी गलत हो गया। तो इस तरह से हम देखें पांच में से चार डायग्राम गलत हैं, केवल एक ही डायग्राम सही है सी। हम कह सकते हैं कि ए बी डी एंड ई कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चन हो गया।